मैं ये कहना चाहूंगा कि हम जो ब्लॉकचेन हमारे पास है, जिस ब्लॉकचेन की लगातार चर्चा हो रही है, आज तक लोगों को क्रिप्टो में बहुत सारे लोगों को इतना ही पता है, ये जो ब्लॉकचेन है वो इस पे क्वाइन बनती है, फिर क्वाइन की मार्केटिंग होती है और उस क्वाइन के द्वारा लोग प्रॉफिट कमाते हैं। फ्रेंड्स, ब्लॉकचेन के मतलब ये नहीं होता है, ये तो एक पहलू है, क्योंकि इसके क्वाइन इसके ब्लॉकचेन बेस्ड बनती जरूर है, लेकिन ब्लॉकचेन का ट्रेडिशनल में काफी ज्यादा यूज है। आज जो भी दुनिया में प्रगति आप देख रहे हैं, तरक्की देख रहे हैं, चाहे वो इंटरनेट की हो या किसी भी चीज की आप तरक्की देख रहे हैं, वो ब्लॉकचेन पर ही डिपेंड है। दुनिया इतना तेजी से जो आगे बढ़ रही है वो ब्लॉकचेन के द्वारा ही हो रही है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और उस नायक को जिसने जो ब्लॉकचेन हिंदुस्तान के सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन को लॉन्च किया है, उससे आने वाले कल में क्या फायदे हो सकते हैं। आज से पहले जब ब्लॉकचेन नहीं थी, केवल इंटरनेट एक सर्वर था, उस समय क्या हो रही थी, आज प्रेजेंट टाइम में ब्लॉकचेन के द्वारा क्या हो रही है और आने वाले समय में ब्लॉकचेन क्या करके जाएगी। हमारे महान नायक डॉक्टर आशीष सिसोदिया, मेरा मानना है कि लगभग सभी शब्द को बोल देते हैं, देख हमने जो एनालाइज किया है और हमारा जो पढ़ाई लिखाई है, केवल ज्ञान और टेक्नोलॉजी के हटकर भी हमने बहुत सी सीखा है दुनिया में। मेरा यह मानना है कि डॉक्टर आशीष सिसोदिया बहुत ऐसे शब्द है जो नहीं बोलते हैं, इशारा करते हैं, और दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं वो केवल इशारा करते हैं, समझना हमको होता है, उसको बोलते हैं डिकोड करना, यानी उस कोड को डिकोड करना है। जैसे एग्जाम्पल, वर्तमान का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, एलन मस्क। आज तक एलन मस्क ने दुनिया में क्लियर फिकेशन कोई शब्द को बोला ही नहीं है, उसको डिकोड किया जाता। ट्विटर को बाय करना था, वो कभी नहीं बोला मुझे ट्विटर को बाय करना है, लेकिन शब्द से मतलब निकाला गया, या किसी भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में उनका जो बोलना होता है तो उनका डिकोड करना होता है उनके शब्दों को। तो मेरा मानना है कि जितना बड़े सब्जेक्ट को वह दुनिया में लाना चाह रहा है, मैंने उस शब्द को डिकोड किया अपने स्टाइल से, माफ कीजिएगा, मेरा एजुकेशन सभी से कम हो सकता है। तो हम चलते हैं इंटरनेट की दुनिया में और यहां से हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो आज जो इंटरनेट की क्रांति देख रहे हैं वो सभी क्रिप्टो ब्लॉकचेन की देन है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में इस क्रांति में महाक्रांति की आगाज हो रही है। पहले केवल हम ब्राउजर, ध्यान दीजिएगा शब्द में ज्यादा टेक्निकल आएगा, पहले केवल हम ब्राउजर वेबसाइट पर जो कॉन्टेक्ट जो कंटेंट दिया हुआ था उसे ही पढ़ सकते थे। आप याद कीजिए, आज से 25 साल पहले, यानी 2021 से पहले क्या हो रही थी, उसको ज्यादा ध्यान दीजिएगा। पहले वेबसाइट पर जो भी कंटेंट दिया हुआ था उसे हम केवल पढ़ सकते थे, और उस समय वेबसाइट के इंटरफेस काफी ज्यादा बोरिंग होते थे, क्योंकि वेबसाइट पर केवल टेक्स्ट ही मौजूद होते थे। टेक्स्ट मीन समझ रहे हैं सर, मैसेज करना, यानी मैसेज ही मौजूद होते थे और बाकी ज्यादा चीज मौजूद नहीं होता था, इसलिए वो सब्जेक्ट ज्यादा बोरिंग होते थे। कॉन्टेक्ट उस समय में हम किसी भी वेबसाइट पर नहीं आज की तरह कमेंट कर सकते थे और न ही लॉगिन कर सकते थे, लेकिन इन्हीं सब चीजों को सॉल्व करने के लिए क्रिप्टो का ब्लॉकचेन आने के बाद इन सब चीजों में काफी सुधार हुआ। फायदा यह हुआ कि इंटरनेट काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, और उस समय में मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, क्लाउड कंप्यूटर का भी जन्म हुआ। अब हम लोग वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जो वेबसाइट पर आर्टिकल है हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, सोशल मीडिया में अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, और ऑनलाइन अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट से घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं। अब एक पॉइंट को समझिए सर, ई कॉमर्स का साइट जितनी भी डेवलप आज के दौर में हुई है, अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, अलीबाबा हो, इन सब में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ही यूज की जाती है, इसीलिए आज
ई कॉमर्स वेबसाइट इतना ज़्यादा डेवलप हो रही है और संजय बाबर भी ई कॉमर्स बहुत ही जल्द लाने की तैयारी कर रही है। काफ़ी लंबे समय से ये चर्चा हो रही है जोरों पे, अब बहुत ही फास्ट समय में ये हमारे बीच आएगा। सोशल मीडिया की वजह से पता होता कि दुनिया भर में क्या चल रहा है। आजकल हर कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आज भी समस्या है। क्या समस्या है? हम आज जो ब्लॉकचेन के बारे में बोल रहे हैं वो रियल ब्लॉकचेन के बारे में नहीं बोल रहे हैं, वो सेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन के बारे में बोल रहे हैं। क्योंकि आज भी इंटरनेट पर जो भी चीज हम लोग देख रहे हैं, सुविधा तो बढ़ी, ब्लॉकचेन आने से सुविधा बढ़ी, लेकिन वो सेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन होती आज भी है। इसी कारण हमें बहुत सारे प्रॉब्लम हो रही। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, समस्या आज भी है। ये सारे प्लेटफॉर्म हमारे साथ धोखा भी कर रहा है। जैसे प्लेटफॉर्म पर हमें कुछ एड दिखाए जाते हैं, पर ज्यादातर लोग यह नहीं सोचते कि ये एड कितना सटीक क्यों होती है। जो हम सोच रहे हैं या जिसके बारे में हम ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, वही एड ये प्लेटफॉर्म पर हमें दिखाए जाते हैं। यानी आज जो वेबसाइट हमें देख रहे हैं, जो भी चीज सर्च कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे वेबसाइट पर हमें केवाईसी ली जाती है, केवाईसी के साथ दुरुपयोग की जाती है। हाँ, हम जो चीज सोच रहे हैं उसके अनुसार ब्लॉकचेन पे हमारी मतलब इंटरनेट पे वो चीज दिखाई जाती है, यानी हमारी प्राइवेसी के साथ भी खेला जाता है। और हमारे जो केवाईसी है या जो भी इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स है उसके मतलब लीक भी किया जाता है, क्योंकि वो सेंट्रलाइज ब्लॉकचेन पे तमाम चीज काम कर रही है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूंगा कि अब आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। इसकी जोर शोर से पूरी दुनिया में तैयारी चल रही है। अब क्रिप्टो की दुनिया में संजय पावर आ चुका है और यहीं से मैं अपनी सबको डिकोड किया है। डॉक्टर आशिक सिंह महानायक का ब्लॉकचेन आ गया है जो देश दुनिया में आजादी दिलाएगी। अब क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन सिस्टम आ गया है। हालांकि डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन सिस्टम 2009 से ही चल रही है, लेकिन क्रिप्टो की एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और रियल ब्लॉकचेन का यूज बहुत ही कम जगह हुआ है। और अब जाकर इसकी वो क्रांति आ गई है, इतने सारे दुनिया के लोग आ चुके हैं कि अब ये क्रांति की दबाई नहीं जा सकती है। और यहाँ पर अब रियल इंटरनेट की आज़ादी मिलेगी, यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर हमारा डाटा किसी एक सर्वर पर स्टोर न होकर, जैसा हमने पहले भी बताया है, एक बार थोड़ा सा मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर जहां हमारा डाटा किसी एक सर्वर पर स्टोर न होकर दुनिया में नोड्स में बटा होता है, जो ब्लॉकचेन में हमारे डाटा को स्टोर करके रखते हैं, जिसको हैक करना लगभग लगभग नामुमकिन है। लेकिन जो सेंट्रलाइज सर्वर का हम यूज कर रहे हैं आज तक, उसको आसानी से हैक किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसका कंट्रोल किसी कंपनी के पास नहीं होता। इसमें हमारे डाटा पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है, जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट को देख रहे हैं। अगर फेसबुक, गूगल, अमेजोन जैसी कंपनियां को हमारा डाटा इस्तेमाल करना है, तो पहले इनको हमसे इजाजत लेनी पड़ेगी। जरा फ्रेंड्स सोचिए, दुनिया में फेसबुक, यूट्यूब, गूगल या कोई कंपनी आपका डाटा लेती है तो आपसे कोई इजाजत लेती है? नहीं लेती है। अब ये सिस्टम बदलने वाली है। इंटरनेट पर आपका कंटेंट आपका ही होगा, इंटरनेट पे आपका कंटेंट आपका ही होगा, चाहे आप अपना कंटेंट किसी भी प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करें, उस कंटेंट का राइट आपके पास होगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब जो समय आएगी डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन आएगी, जो क्रिप्टो का ब्लॉकचेन होगी, वहां पर जो भी कंटेंट आपका होगा वो आपका ही होगा, राइट आपका होगा। आप फेसबुक पर जो कंटेंट डालेंगे उसका राइट आपका होगा। अभी ऐसा नहीं है, अभी इसकी पकड़ बड़ी बड़ी कंपनी के पास है। उदाहरण के तौर पर आपने फेसबुक या यूट्यूब पर कोई भी कंटेंट तैयार किया है, कोई भी कंटेंट शेयर किया है, तो वो एक जगह से उनका ही हो जाता है, जो आपके कंटेंट को अपने हिसाब से यूज करते हैं। आपने जो अच्छा जो भी कंटेंट डालते हैं वो फेसबुक के हो जाता है, यूट्यूब पर आप जो कंटेंट डालते हैं वो उसका हो जाता है, गूगल पर जो कंटेंट डालते हैं कहीं ना कहीं उसका हो जाता है, क्योंकि राइट उसका है, आपका नहीं है, कॉपी राइट उसका है।
लेकिन अब जो समय आ रही है वो चीज जो डालेंगे वो आपका होगा। अगर आपका पोस्ट बढ़िया होगा, आपकी वीडियो बढ़िया होगी, आपके कंटेंट बढ़िया होगा, तो राइट आपका होगा। उस कंटेंट से जो कमाई होगी, अब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, उस कंटेंट से जो भी कमाई होगी, जो भी अर्निंग होगी, वो आपके खाते तक पहुंचेगी। अब कोई भी कंपनी ये तय नहीं करेगी कि आपका कंटेंट हटाया जाए या रखा जाए। अभी बहुत सारे कंटेंट ऐसे भी है जो हटा दिया जाता है। कुछ दिन पहले, आपसे 1.5 साल पहले या 2 साल हम लेते हैं, ट्विटर पर कुछ ऐसे कंटेंट आ रहा था जिसमें बहुत सारे कंटेंट को हटाने की दबाव आई थी, तो ट्विटर ने हटा तो दिया, लेकिन एलन मस्क को इससे बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि तो दुनिया में मुझे लगता है कि एक वही बंदा है, उसके बाद हमारे डॉक्टर आशीष सिंह सिसोदिया है, बाकी तो हमें नजर नहीं आती है। बाकी क्रिप्टो के इतने महान महान लोग भी विरोध ने किया था। उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पे आजादी पब्लिक की है और पब्लिक की रहेगी, और काफी विरोध हुआ था और गुस्सा में जाकर वो ट्विटर को ही बाय कर लिया था। ये एक कहानी थी। अब कोई भी कंपनी तय नहीं करेगी कि आपका कॉन्टेंट हटाया जाए या रखा जाए। कई बार सोशल मीडिया से आपका कॉन्टेंट हटा दिए जाते हैं, और ऐसा भी होता है कि आज कोई भी कॉन्टेंट पोस्ट ही नहीं करते, कभी कभी बहुत सारा कॉन्टेंट को पोस्ट करने ही नहीं देता। ये सारा दादागिरी अब नहीं चलेगी। अब लोग अपना डेटा खुद कंट्रोल करेंगे, चाहे आप किसी के वेबसाइट पर डाल दिए, डोट नॉट मैटर, आपका जो भी डेटा आप ही कंट्रोल करेंगे, आप ओनर हो या ना हो, इसको डिसेंट्रलाइज बोलते हैं। क्योंकि पहले की तरह डेटा किसी एक कंपनी के पास नहीं होता है, नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पर टेक्निकल समझिए, पहले जो डेटा आप फेसबुक के दिए थे वो फेसबुक के पास है, अब ऐसा नहीं होगा। जिस तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, क्रिप्टो करेंसी का हिसाब किताब किसी एक कंपनी के पास नहीं होकर उन लोगों के पास होता है जो इस ब्लॉकचेन नेटवर्क में होते हैं, यानी वो लोग जो क्रिप्टो करेंसी रखते हैं। अब पॉइंट को समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके पास बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन के किसी भी कंपनी का और किसी भी चीज का आप ये गुलाम नहीं है, आप स्वतंत्र है, यानी आपका जो भी डाटा है सभी सर्वर पर है, और आप उसका खुद का ब्लॉकचेन है, खुद का ऑनर है। ठीक इसी तरह इंटरनेट में चीजें आएगी, ब्लॉकचेन की तरह डेटा किसी सेंट्रल सर्वर पर ना होकर हर यूजर के डिवाइस, पॉइंट को समझिए, ब्लॉकचेन की जो डेटा होगी किसी सेंट्रल सर्वर पर ना होकर हर यूजर के डिवाइस में होगा। कोई यह नहीं जान पाएगा कि किस यूजर का डेटा कहाँ है। अभी सोशल मीडिया और इंटरनेट में कंपनियों की मोनोपोली है, ये मोनोपोली नहीं रहेगा। ये सबसे बड़ी पॉइंट है, यानी संपूर्ण इंटरनेट ही डिसेंट्रलाइज हो जाएगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और 100% जब डीप रिसर्च करेंगे तो ये इसकी शुरुआत 2017 में ही हो चुकी थी, जब एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इंटरनेट कंप्यूटर लॉन्च की थी। उनकी सपना था कि 2027 तक लाखों लाख लोग उस प्रोजेक्ट में लगा हुआ, लाखों लाख लोग इसकी शुरुआत कर रही है कि जो इंटरनेट पर इंटरनेट है वो उसको डिसेंट्रलाइज कर दी जाए, यानी कि आने वाले समय में कोई भी इंटरनेट के सर्वर को आप बंद नहीं कर सकता, जैसा हम आप अभी देख रहे हैं। कभी कभी कुछ इस तरह की घटनाएं होती है, इंटरनेट ही बंद हो जाती है, ये बंद ही नहीं कर पाएगा। जैसे ये सिर्फ डिसेंट्रलाइज इंटरनेट आ रही है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। ये संजय पावर एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, हमारा संजय पावर, यही सबको मैंने डिकोड किया है, हमारे आशीष सिंह सिसोदिया हमारे देश का नहीं, हमारा ही नहीं, वर्ल्ड का नायक ही नहीं, महानायक बनेंगे, और इसमें ये रोल अदा कर सकता है। तो कुछ जिसके पास ब्लॉकचेन है, जिसकी सोच बड़ी है, जिसने दुनिया पर फतेह करने के लिए सीखा टेक्नोलॉजी के हिसाब किताब से, वो इस चीज को 100% कर सकते हैं। इसीलिए सर कभी कभी बोलते हैं कि बहुत से ऐसे सब्जेक्ट है जिसको हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि क्रांति से पहले प्लान को बता दी जाए, हो सकता है उस क्रांति में बाधा आ जाए। तो 2027 से सभी आजादी हमें मिल जाएगी, तब तक क्रिप्टो की दुनिया का सभी लोग जो आज क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में है वो करोड़पति अरबपति होंगे। अब फ्रेंड्स समझिए, इससे क्रिप्टो से क्या मतलब है, अब आइए यूज केस। हर लोग पूछते हैं आपका संजय बाबा का यूज केस क्या है। भैया यही यूज केस है, दुनिया में एक नई क्रांति को हम जन्म दे रहे हैं, दुनिया में एक ऐसी चीज को ला रहा है जिसको सोचना भी नामुमकिन है, जिसके बारे में आज तक इंसान सोचा ही नहीं, यानी
को, उस दुनिया को साकार करना, इसका एक काम कर सकता केवल और केवल ब्लॉकचेन ही कर सकती है। जिसके पास सबसे बड़ा ब्लॉकचेन होगा, जिसकी टेक्नोलॉजी सबसे फास्ट हो गई, वही इस काम को कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को वेब 3.0 बोलते हैं। और ये चीज हमें लगती है कि डॉक्टर आशीष सिंह सिसोदिया 100% लेके आएगी। अगर लेके आएगी, हमारा क्वाइन क्वाइन ही नहीं, बिटकॉइन ही नहीं, हो सकता है दुनिया में आज तक जितने भी सबसे मूल्यवान चीज होगी, उसमें सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज हो जाएगी। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि कल आपके बच्चे, अगर मान लीजिए, बहुत लोग अभी हम लोग प्लान करते हैं कि क्वाइन लेना चाहिए, बहुत सारी चीजें बताते हैं अमन जी, मोरिया जी, काफी लोग, बताने की जरूरत नहीं है सर, रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी समझाने की जरूरत है। खैर, बहुत बढ़िया आप लोग बताते, क्योंकि कल अब इस दौर में हम हैं, संजय पावर के मंच पर है और ब्लॉकचेन की दुनिया में हम जी रहे हैं। अगर हम इस क्रांति का हिस्सा नहीं बनेंगे तो होगा क्या? कल आपके बच्चे पूछेंगे, पापा आज जो क्रांति, जो टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं, क्योंकि 2027-28 के बाद ज्यादा देर समय नहीं लगी, ऐसा नहीं है कि 20 साल बाद ये चीज आने वाली है, केवल 5 साल में ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ 100% से 100% लाइव हो जाएगी। आपके बच्चे पूछेंगे कि जो टेक्नोलॉजी हमने आज आज देख रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी में एक नायक के रूप में आप काम कर रहे थे संजय पावर में, क्या उसका हिस्सा आप थे, आपने रियल रोल अदा किया या नहीं किया, आप उसे क्या जवाब देंगे? कल आपके बच्चे उस टेक्नोलॉजी के बारे में पूछेंगे, अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आप क्या समझा पाएंगे? तो ज्ञान जो संजय पावर में हम लोग हैं, उसका ज्ञान लिया जाए। और कल आपके बच्चे, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव पूछेंगे तो आप गर्व से कहें कि मैं उस टेक्नोलॉजी का हिस्सा था, जहां जो इंटरनेट सेवा आप देख रहे हैं, कल बहुत सारे फाउंडेशन थी, इस फाउंडेशन को खत्म करके डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन संजय पावर द्वारा जो लाई गई, उस क्रांति का हम एक हिस्सा थे। और हम सभी लोग फिनेंशियल फ्रीडम तो हो ही जाएंगे और दुनिया में सबसे बड़ा क्रांति का गौरव भी पाएंगे। तो सर, ये थी छोटी सी और बहुत ही बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट हमारा। अगर मौका मिले तो इसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट मेटावर्स का है, उसका यूज केस क्या है, वो भी मैं बहुत जल्द लेके आएंगे सर। और अच्छा बोले या जैसे भी बोले, माफ करिएगा, अभी बनारस में है क्योंकि घर से काफी दूर है। जय संजय पापा, आलोक दा, सभी लोगों को नमस्कार।